फ्रेंड्स, माय स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है आज है 15 अगस्त, तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और ये स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, 72वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी के आज 72 साल हो चुके हैं। बहुत खुशी का मौका है, ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है और हर एक समस्त भारतवासियों के मन में एक अद्भुत सा प्यार यहाँ पर जागता है। एक धर्म से उठ करके, जाति से उठ करके एक अलग ही भावना सबके दिल में आती है और वो है भारतीयता की भावना। आनी भी चाहिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर बात देश को होना तो आप हमेशा सामने आके खड़ा रहना, कभी भी बात देश की हो तो आप कभी भी पीछे मत हटना अपने रास्ते से, हमेशा आके सामने रखना। क्योंकि अगर आपने देश के लिए कुछ नहीं किया तो फिर आपके लिए जीना व्यर्थ है। हर किसी को अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए जीना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त है तो पहले तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपका एनसीईआरटी का वीडियो जाता है तो मैं डालने वाला था, मैं बना भी चुका था, फिर मुझे लगा यार कि थोड़ा सा स्टॉप ले लो, कम से कम आज 15 अगस्त है तो आज कुछ अच्छी बातें आपको बता देता हूँ, हमेशा मौका नहीं मिलता बात करने का। तो ये हुआ कि चलो आपसे रूबरू होता हूँ, तो सुबह सुबह मैं भी नहा धुल के आज सोचा कोट वोट निकाल लेता हूँ, थोड़ा पहन लेता हूँ, यार चलता है कि नहीं, थोड़ा अच्छा डे है तो फिर इंजॉय करने का तो बनता है ना। आप भी इंजॉय करो, हमेशा पढ़ने के पीछे मत रहा करो, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यूटी से होती है, रेगुलरिटी से होती है, ऐसा नहीं कि प्रेशर में होता। प्रेशर में आपको चीजों को नहीं पढ़ना है, प्रेशर में अगर आप कभी भी पढ़े ना तो याद रखो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। प्रेशर में कोई भी काम नहीं करना, बिल्कुल फ्री माइंड में पढ़ना है, इजी मोड में पढ़ना है और पढ़ाई को समझना है, ठीक है, हमें समझना है पढ़ाई को, कि पढ़ाई को किस तरीके से करना, उसका लोड नहीं लेना है। आज 15 अगस्त है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करिए। और मूवी भी आई है, आप जाके मूवी देख सकते हैं, तो कई सारी मूवी आई है, जॉन ग्राम की मूवी आई है, सुकुमार जी की मूवी आई है, तो आप जाके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज अच्छा दिन है, लोगों के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने भाई बंधु के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हाँ, लेकिन बदमाशी मत करिएगा। जैसे आज फ्री हो गया तो चलो ड्रिंक कर लेते हैं, ये सब आदत गंदी है, इन सब चीजों से दूर निकल के थोड़ा सा अच्छे माहौल में आने की कोशिश करिएगा। और आज स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, तो आज आपको पता होगा कि आज लाल किले के लाहौरी गेट से, वो जो लाल किला के सामने ऐसे गेट बना होता है ना जहाँ पे हमारा झंडा फहरता है, कुछ जानना चाहिए आपको, उस गेट का नाम है लाहौरी गेट, उस जगह का नाम क्या है, लाहौरी गेट। तो लाहौरी गेट पर दोस्तों तिरंगा फहराया गया है और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों फहराया गया है और अभी उनका भाषण भी स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह ही आज हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो भी अपना भाषण दे चुके हैं और मोदी जी की बारी है, देखिए वो देश वालों को क्या संबोधित करते हैं और क्या कुछ नया देते हैं। क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा होता आया है कि हर 15 अगस्त को मोदी जी कुछ हमारे लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा भी है और होना भी चाहिए। मेरी जो मेंटेलिटी है दोस्तों वो एक अलग मेंटेलिटी है, मैं ये सोचता हूँ कि यार समाज को किस तरीके से बदला जाए। मेरे पास बहुत सारे कोचिंग वालों के ऑफर आते हैं कि सर आप हमारे कोचिंग में पढ़ा दीजिए, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे जगह से आप बताते हैं, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद से लेकर बनारस तक बहुत जगह से ऑफर आते हैं, लेकिन मैं किसी के ऑफर को सुनता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, मैसेज तो आते हैं, मैसेज मिलते हैं, कभी कभी फोन कॉल भी आता है, तो मैं सबकी बात सुनता हूँ, लेकिन मैं किसी की कोचिंग में पढ़ाने नहीं जाता। उसके पीछे वजह है, क्योंकि देखो हर बार पैसा वजह नहीं होता दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अगर आज कुछ बातें बोल रहा हूँ तो देश के तमाम कोने में बैठे आप सभी युवा मेरी बातों को सुन रहे हैं और मुझसे कुछ सीख रहे हैं। अगर मैं किसी कोचिंग में ज्वाइन हो जाऊंगा तो वहां मेरे सामने कुछ पर्टिकुलर बच्चे हो पाएंगे, जैसे मैंने 500 लोगों को पढ़ा दिया, 1000 लोगों को पढ़ा दिया एक बैच में, तो बैच वाइज क्या होगा, मुझे पैसा तो मिल जाएगा लेकिन वहां मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाऊंगा। और मेरे लिए बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब मैं ये काम करता हूँ आपके लिए, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है अंदर से कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, मजा भी आता है, ये मेरा पैशन बन चुका है कि मैं आपको कितने बेहतर ढंग से, कितने अच्छे तरीके से आपको चीजों को सिखाऊं, आपके सामने विषय वस्तु को प्रेजेंट करूं कि आपको भी पढ़ के लगे वाकई सर विषय बहुत आराम है, मतलब बिल्कुल इजी मोड में हम चीजों को सीख ले रहे हैं। तो मेरा हमेशा फोकस जो होता है वो इसी को होता है कि कितने अच्छे से आपको मेटेरियल प्रोवाइड करूं, कितने अच्छे से आपको चीजें दे दूं कि आप जो है घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सको। कभी पैसा मैटर नहीं होना चाहिए, पैसा मैटर नहीं होना चाहिए कि सर हम अपने गोल को इसलिए अचीव नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं था। सब कुछ अवेलेबल है, आप स्टडी 91 पे आ गए हो, सब कुछ अवेलेबल है। जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाइए, हर एक विषय डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो आप आके देख सकते हो। फिलहाल ये तो रही बात की बात, तो आज जिस मूड में मैं आया था इस क्लास को लेने के लिए और आपसे बात करने के लिए, वो एक्चुअली बात क्या था दोस्तों, 72 वर्ष हो गए, हमने बहुत कुछ अचीव किया। अगर हम पॉजिटिव तरीके से चले
तो बहुत कुछ अचीव किया दोस्तों। 1947 में जब हमारा देश आज के दिन आजाद हुआ, 15 अगस्त को जब हम लोगों ने आजादी की घोषणा अपनी की और अपना आजादी दिवस मनाया, उस समय भारत की स्थिति बड़ी ही दयनीय, मन में उत्साह तो था कि आज हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बैठा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बंटने की वजह से जो उस पर्टिकुलर जो उत्तर पश्चिम एरिया के लोग थे, उस क्षेत्र के जो लोग थे, जैसे मैं कह दूं पंजाब के लोग और राजस्थान के लोग, तो वहां पर सीमा रेखा के विभाजन हो जाने की वजह से वहां के लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। क्योंकि यहाँ तो देश का बंटवारा हो गया था, कुछ बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर एक रेखा खींच दिया कि आपका क्या है, एक रेखा खींच दिया कि भारत है, पाकिस्तान है, लेकिन वहां के जो पर्टिकुलर लोग रहते थे उनके अपने बीच में दरारें पड़ने लगी, एक द्वेष का माहौल आया, एक ऐसा माहौल हमारे सामने आता है जो आज भी हमारे समाज को गंदा बनाते चला जा रहा है, बहुत ही नीचा करते चला जा रहा है। तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि वो 1947 के उस दौर में हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन उसके बाद भी मन में उत्साह था कि चलो हम आज आजाद हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना आजादी दिवस मनाया और 15 अगस्त को हम लोगों ने अपना आजादी दिवस मनाया। आजादी दिवस मनाने के बाद ये हुआ कि अब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण होना चाहिए। 1949 आते आते तक हमारे यहाँ संविधान का भी निर्माण हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़े पंचवर्षीय योजना की तरफ, धीरे धीरे सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत देश में विकास के कार्य चालू किए गए, बहुत सारा काम किया गया। ये जो आप यूट्यूब देख रहे हो, जो मोबाइल देख रहे हो, तमाम कंपनियां देख रहे हो, ये धीरे धीरे हमारे देश में आई हैं। तो हम लोगों ने बहुत ग्रोथ किया है। बिल्कुल जान लीजिए कि 1947 में देश की हालत ऐसी थी कि लोगों के पास पूंजी ही नहीं था कि लोग कोई व्यवसाय के काम कर सके, बड़ी खराब स्थिति थी। उस स्थिति से देश निकलकर आज यहाँ तक पहुंचा है कि आज आप सभी के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है और आप ये देख सकते हो कि मुझे क्या करना है। पूंजी मायने नहीं रखता, बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप उठा के देख लो, पूंजी मायने नहीं रखता। कि आप हल्दीराम भुजिया कंपनी के मालिक को देख लो, मात्र 72 रुपए से वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर लेते हैं। अनिल अंबानी को देख लो, अनिल अंबानी उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी को देख लो, ठीक है। आप जिस भी बड़ी फैमिली को देखोगे, जिस भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखोगे, पैसा मैटर नहीं करता। किसी अच्छे पढ़ने वाले को देख लो, पैसा मैटर नहीं करता दोस्तों। इसलिए याद रखो, कभी भी पैसे की वजह से अगर आप ये कह रहे हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर सका, तो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। आपका सिर्फ लगन होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। जान लीजिए कि सफलता तो दौड़ के आपके पीछे आएगी, सफलता दौड़ के आपके पीछे आएगी अगर आप ईमानदारी से लग गए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने लगे तो, ठीक है। तो मुख्य मुद्दा यह दोस्तों कि 1947 से लेकर आज 2018 तक ये जो 72वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, यहाँ तक की स्थिति जो है वो है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है, बहुत सुधार आया है। भारत भी अपने स्तर को ऊंचा उठा चुका है, ये आपको भी पता और हमको भी पता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में आज भी बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जिन पे हम बेवजह लड़ रहे हैं, बेवजह अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं। पता है, इस चीज में आप दूसरों को कॉपी किया करो, आप देखो कि दूसरे विकसित देश उस चीज के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं जिस चीज के पीछे हम लड़ाई कर रहे हैं। आखिर वो चीज कौन सी है? वो चीज है दोस्तों जो सबसे बड़ा आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा है आपका आतंकवाद, आज का मुद्दा है आपका जातिपाति। तो ये सारी चीजों से हमेशा उठ कर लीजिए। ये आपके समाज में जो व्याप्त बुराइयां है ना, इनको आप हमेशा खत्म करने का प्रयास करिएगा जहां भी रहिएगा। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, जाहिर की बात है अगर मेहनत से पढ़ोगे, पूरी लगन से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, आपको मेहनत से पढ़ाया भी जा रहा है, मटेरियल दिया जा रहा है, इतना तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। हो सकता है आपके सिलेक्शन में थोड़ी देरी हो, सकता है कि 2-4-6 महीने साल भर लगे आपके सिलेक्शन में, लेकिन ये तो तय है कि आपका सिलेक्शन तो होके रहेगा। एकदम डन है, पक्का है, 100% है कि अगर आप स्टडी 91 के साथ जुड़े रहे या न भी जुड़े रहे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहे तो सिलेक्शन तो तय है आपका। तो जहां कहीं भी आप सेलेक्ट होकर जाइएगा, जिस भी पद पे जाइएगा, छोटा बड़ा कोई भी पद हो, किसी भी पद पे जाइएगा, चाहे एक क्लर्क का पद हो और चाहे एक डीएम का पद हो, किसी भी पद पे जाइएगा दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। जहां भी रहेगा ईमानदारी से रहेगा, क्योंकि ईमानदारी से रहने का मजा ही अलग है यार। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं और याद करके मुस्कुराते हैं। वो बंदा सोचिए, वो बंदा इतनी कम उम्र में फांसी पे चढ़ गया, झूल गया। वो चाहता तो फिर आराम से जीवन जी सकता था, आम लोगों की तरह रह सकता था, लेकिन नहीं, आज उसी लिए हम उनको याद करते हैं। तो दोस्तों आप भी कुछ अच्छा करिए, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलिएगा, कभी भी बुराई के रास्ते पर मत चलिएगा। जिस दिन आप ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे और स्टडी 91 से जुड़ी ये 2 लाख लोग अगर बदल जाएंगे, तो ये 2 लाख लोगों का परिवार बदल जाएगा। मतलब मैं मान लूंगा कि मेरे इस
कदम से बहुत सारे लोग बदल गए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, अपनी खुशियों को व्यक्त भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक प्रण अपने मन में लीजिए कि सबसे पहले आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार होंगे, सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होंगे, अपने स्टडी के प्रति ईमानदार होंगे, क्योंकि इस समय वही चीज ऐसी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉमिस करिए आप सभी लोग कि पढ़ाई के प्रति इतना ईमानदार रहेंगे, प्रॉमिस करते हैं ना, बढ़िया से पढ़ाई करेगा, जो भी मटेरियल हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, लोग नाराज हो जाते हैं कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, बहुत ज्यादा कमेंट आता है, एक दिन में 1000 से ऊपर कमेंट आते हैं, मैं कभी कभी कमेंट देख भी नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं दोस्तों क्षमा चाहूंगा आपसे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार है जो इतने कमेंट के रूप में मिलते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पढ़ने के बाद समझ जाता हूँ कि आपकी समस्याएं क्या हैं, और जिस पीडीएफ की आप डिमांड कर रहे हो कि सर मैं पीडीएफ चाहिए, बहुत जल्द दोस्तों मैं आपके सामने पीडीएफ लेके आऊंगा। यार जब मैं आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ तो बेशक आपको पीडीएफ भी दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, केवल लगन से और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज 15 अगस्त है, आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, वैसे भी शाम के टाइम आज हिंदी का सोच रहा हूँ वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और बाकी सेशन कल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज सब लोगों का शेड्यूल थोड़ा बिजी होगा, थोड़ा अपने मित्र यार से मिल लीजिए, मिलना जुलना भी जरूरी होता है यार, मिलने जुलने से आपको क्या होता है, थोड़ा सा समाज के बारे में पता चलता है, तो एक कमरे में बंद रहना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं खुद भी कमरे में हमेशा बंद रहता हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह सुबह एकदम 10 बजे का मॉर्निंग शो का मूवी का टिकट बुक किया और मन है मेरा भी, मन है यार मैं भी इंसान हूँ, ऐसा थोड़ा टीचर हूँ पढ़ाता हूँ तो फिर मेरा मन नहीं है, तो आज मैं भी जा रहा हूँ मूवी देखने, और इंजॉय करो आप भी इंजॉय करो मेहनत से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।